अब जैसे कोई भी लड़का है, ठीक है, ऊटपटांग टाइप का है, और उसको मतलब पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है ना, मन लगा के पढ़ता ही है, और ख्वाहिश रख ले हमको यूपीएससी निकालना है, तो ऐसे ख्वाहिश से थोड़ी हो जाता है, समझे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपको उसके प्रति समर्पित भी रहना पड़ेगा। एक आदमी पूछे कि सर ज्यादातर एम्स के डॉक्टर या डॉक्टर और आईआईटीएन ज्यादातर क्यों निकाल ले रहे हैं सब यूपीएससी? आप देखिएगा ज्यादातर आईआईटीएन निकाल लेंगे, जो यूपीएससी निकालेगा कहां से, आईआईटी, एम्स, इंजीनियर, ये सब, ये क्यों निकाल? तो उसका रीजन भी अगर आप देखेंगे सिंपल है, क्योंकि बचपन से तेज थे तभी वो आईआईटी में गए, वरना इंटर के बाद कौन आता है यहाँ पे? जब आप इंटर किए थे तो देखिएगा जो बचपन में बहुत तेज था वो निकल गया मेडिकल की तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, कोई आईआईटी में गया, कोई एम्स में गया, तो बचपन में तेज थे सब, पढ़ते भी आ रहे हैं उसी हिसाब से। और जब वो यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो उनके लिए काफी ईजी हो जाता है, आप लोग शुरू से कढ़ा मन लगा के पढ़ाई किए नहीं, अब क्या करना होगा बेचारे, देखो एकदम मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ है। अब आप लोग को कुछ नहीं, जोड़ो इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, आप लोग आ गए हैं अभी समझ जाइए कि बोध गया में पहले कहां थे लोग, सारनाथ में, अभी कहां आ गए हैं, बोध। अब इंतजार करिए अगली बैसाख पूर्णिमा का, उस दिन आपको क्या मिल जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति, समझ में आ गया कि नहीं? एक से डेढ़ साल समर्पित होकर आप दे दीजिए। पहले तो ये रहता था ना कि हम लोग जितने लड़कों का रिजल्ट होता था, कई ऐसे लड़के थे जीएस में अच्छा परफॉर्म कर जाते थे, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में चौपट हो जाते थे, अब वो भी समस्या खत्म हो जाएगा, रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो गया, मैथ का भी, जिसको मैथ कुछ भी नहीं आएगा, जिसको रीजनिंग कुछ भी नहीं आएगा वो भी मैथ, मैथ पी के सर उनको बता देंगे, और रीजनिंग का तो पूछिए मत, एकदम रीजनिंग पढ़ रहे हैं लोग नहीं है, उतना खतरनाक रीजनिंग नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, एकदम मतलब क्वेश्चन कॉलम में छूने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में, एकदम मतलब सब एकदम सपोज कीजिए कि आप क्वेश्चन देखते आंसर आ जाना चाहिए, सबका अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग अप्रोच होता है, समझा कि नहीं क्या? तो अब आप लोग को भी यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और जुलाई से तो आप लोग के लिए बैच भी रहेंगे लोग यहाँ पर। सर हम गरीब हैं क्या करें, दिक्कत ये है कि तुम सीधे अमीर होना चाहते हो, गरीब इंसान से पूछिए तो वो ये नहीं कहेगा, दो रास्ते होते हैं, अमीर एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे पहुंचने का नाम होता है मेहनत, तो आप गरीब है तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, डायरेक्ट कोई अमीर नहीं हो सकता, और जितने अमीर लोग को देखिएगा वो सब के सब क्या थे, गरीब थे, ये कौन सा लॉजिक है, हम गरीब हैं अमीर कैसे होंगे, ऐसे सोचते रहिए, ऐसे सोचते में आपका 6 महीना निकल चुका होगा, 2 साल और सोच दीजिए, हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, आप मेहनत कीजिए, गरीब हैं तो आपके लिए भी तो 24 घंटा है, हाँ 1 करोड़ का तो शरीर में समान है आपके, 35 लाख का लीवर, 40 लाख, 20 लाख का हार्ट, 3 लाख का ये, 3 लाख का ये, इतना ये हाथ आंख, अब गरीब कौन चीज में, मेहनत कीजिए सबके लिए, 24 घंटा सबके लिए होता है, सबके हाथ पर शरीर काम करता है, आप उसमें अपने हिसाब से मेहनत कीजिए, डायरेक्टे सोचिएगा अंबानी बन जाए थोड़ी हो सकता है, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी, अचानक नहीं होता है कोई भी चीज, आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत?